फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि नेबुलाइजर क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं? इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है या फिर एक एडल्ट है, उसको शायद सर्दी हो गया या फिर कोल्ड बहुत जोर से हो गया और कफ पूरा चेस्ट में जम गया है और आप मेडिसिन ले रहे हो बट उसमें कोई भी असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर कोई मेडिसिन लेंगे और उसके साथ एंटीबायोटिक भी लेंगे, फिर भी अगर आपका वो कफ नहीं जा रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या सोल्यूशन है, क्या अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले आप सबके लिए। आप सबको तो पता है कि सबके घर में छोटा बच्चे रहते हैं तो उनको सर्दी होना एक कॉमन बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ नेबुलाइजर मशीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में अभी ये नेबुलाइजर मशीन का जो है पैकेट है, इसको अभी हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसका इनबॉक्स में क्या क्या आता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ नेबुलाइजर कंप्रेसर की तरफ। तो फ्रेंड्स, यह रहा जो है नेबुलाइजर कंप्रेसर का जो पैकेट, इसको अभी हम ओपन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आता है उसका जो मशीन है। सबसे पहले मशीन को निकाल के साइड में रखते हैं और इसका अंदर क्या क्या आता है हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको देख सकते हैं, ये एक पैकेट में, छोटा सा पैकेट में दो मास्क है। ये एक बड़ा सा मास्क है जो कि एडल्ट के लिए यूज होता है, इसको मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये एक छोटे बच्चे के लिए, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये रहा छोटा सा मास्क, इसको भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और अगर फ्रेंड्स कोई भी अस्थमा का पेशेंट है तो उसके लिए ये दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये भी एक मास्क है, इसको मुंह में डायरेक्ट लगा के आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये मेरा हाथ में अभी एक पाइप है और तो स्टीम लेने के लिए ये पाइप को यूज़ करते हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं वो भी देखते हैं। इसका इनसाइड में आप एक देख सकते हैं, ये कि ये एक इनहेलर है। अंदर ये आप देख सकते हैं इसका जो मैनुअल है, इसको अगर आपको पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वारंटी कार्ड, इसका 1 ईयर का वारंटी रहता है। और इसका जो नेबुलाइजर कंप्रेसर जो मशीन है उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको साइड स्क्रीन पे दे दूंगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है, वीडियो को पॉज करके आप भी देख सकते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्ट इसको कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्विच दिया गया है ऑन और ऑफ का, तो इसको ऐसे रख के मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ ये पाइप को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे एक होल है, तो यहाँ पे आप उसको ऐसे पुश करके इसको आपको कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंटर है, इसको आपको एक से लगाना है। और इसको लगाने के बाद बस ये जो कैप है जिसको मैं आपको बोल रहा था पहले, ये जो इनहेलर की तरह दिखता है, तो इसको आप इसको आराम से पुश करके लगा देना है और ये फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जब स्टीम लेना शुरू करेंगे उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेडिसिन आता है वो डॉक्टर का प्रेस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन यहाँ पे डाला जाता है। और इसको डालने के बाद ये जो कैप है इसको लगा देते हैं। और इस पॉइंट से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर चाइल्ड के लिए है तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स? ये चाइल्ड के लिए है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये चाइल्ड के लिए छोटा वाला। और अगर एडल्ट के लिए है तो ये बड़ा वाला भी आप यूज़ लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लगाने के बाद आप डायरेक्ट मुंह पे देख के इसको बैक साइड कर दीजिए और हेड के तरफ इसको लगा दीजिए। इसको कनेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये प्लग है, इसको आपको इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है इस पे उस पर कनेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन कर देना है तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, तो जो है आपको स्टीम आता रहेगा। तो ये था इसका यूज़। और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ और एक, जो कि मैं दिखा रहा था कि अस्थमा पेशेंट के लिए ये जो है इसको कैसे यूज़ करोगे। ये सेम है, इसको जस्ट पुश कर देना है और इसको बाइट करना है अपना मुंह से, तो ऑटोमेटिक जो स्टीम है वो आपका अंदर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया है, अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं इसका साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी जो है ये ऑन हो चुका है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके अभी हवा आ रहा है, मतलब अगर आप यहाँ पे मेडिसिन डालेंगे तो यहाँ से स्टीम आना शुरू हो जाएगा। अभी तो मेरे पास जो मेडिसिन नहीं है, अगर मेडिसिन होता तो मैं आपको दिखाता कि इसका स्टीम कैसे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आते हैं इसका प्राइस के बारे में। अगर आप लोकल मार्केट में ख़रीदने के लिए जाओगे तो आपको ये 1000 से ऊपर आएगा। अगर आप ऑनलाइन पे जाते हो तो ये ब्रांड के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रहता है। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था तो मुझे 1000 रुपीज़ ये आया था। अगर आप चाहते हो ऑनलाइन पे ख़रीदने के लिए तो ये 500 रुपीज़ 800 रुपीज़ में भी आपको अवेलेबल होता है। तो डिपेंड करता है इसका जो मोटर है उसका कैपेसिटी क्या है और इसका जो यूजर्स है उसका क्या है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप भी वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेबुलाइजर कंप्रेसर क्या होता है और इसको यूज़ हम कैसे करते हैं, किस पर्पज़ में हम यूज़ करते हैं और इसका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में थोड़ा पता लगे। और अगर पहली बार मेरा चैनल पे आप लोग विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं और एक दमदार मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।